हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमकेपी गुड टिप्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा योनो एसबीआई ऐप्स में भीम यूपीआई आईडी को कैसे बदल सकते हैं, और जो भी आपका पुराना वाला आईडी है यूपीआई आईडी, तो आप उसे नया बना सकते हैं, पुराने वाले को रिमूव करके नया बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं और पूरी जानकारी के साथ आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए, हम आपको लेके चलते हैं योनो एसबीआई के ऐप्स पे, वहां आपको सारी डिटेल दिया जाएगा। तो दोस्तों, योनो एसबीआई ऐप्स जो है ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप जो है लॉगिन कर सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड से, नहीं तो आप एम पिन सेट किए होंगे तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए एम पिन से ही लॉगिन कर लेते हैं। अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, नीचे लिंक क्लिक चेक कीजिए, आपको वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से देख के निकाल सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड भूला हुआ। तो दोस्तों, चलिए होम पेज पर जब आ जाएंगे आप लॉगिन करने के बाद, आपको योनो पे पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप योनो पे पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे भीम यूपीआई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए कुछ इस तरीके का फिर से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको भीम यूपीआई आईडी बदलने के लिए, तो यहाँ पे मैनेज के नीचे जो लिखा हुआ मैनेज का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका मोबाइल नंबर जो है यूपीआई आईडी जो है बन जाता है। तो अगर आप इसे बदलना चाहते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं व्यू ऑल यूपीआई आईडी तो आप यहां से भी कर सकते हो। तो चलिए, हम बदलना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहां पे देखिए दोस्तों, सजेस्टेड यूपीआई आईडी यहां पे आपको दिख रहा होगा। अगर आपको इनमें तीनों में से कोनो अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, चाहे या ऊपर वाले रखिए चाहे नीचे वाले रखिए। अगर इनमें तीनों आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आपका इसमें जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको इसको कट कर देना है। ये कट करने के बाद ये देखिए क्रिएट योर आईडी, तो आपको क्या आपको पसंद है, क्या नाम आपको पसंद है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कुमार लिख देते हैं, के यू एम ए आर कुमार। ये देखिए आप यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका जो है यू पी आई डी अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद ये देखिए दिस यू पी आई डी इज नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे ये नहीं अवेलेबल है। तो चलिए हम एक दो अंक डाल देते हैं। ये देखिए अंक डालने के बाद फिर से हम क्लिक करेंगे चेक अवेलेबिलिटी पर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए दिस यू पी आई डी अवेलेबल, ये जो है यू पी आई डी जो है अवेलेबल है। तो चलिए हम यही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको नीचे में जो है एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट प्रीमियम एसी फॉर यूपी आईडी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको ये नीचे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आपके बैंक में जो है अकाउंट नंबर आपको दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके उसके बाद ये अगर आपको रखना है तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेशन सक्सेसफुल, आपका जो है क्रिएट न्यू यू पी आई डी आपका बदल चुका है, बन गया है। तो आप वो जो पुराना वाला था वो अब आपका नहीं रहेगा, ये ही हो गया न्यू यू पी आई डी। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से आप जो है कर सकते हैं, बना सकते हैं यू पी आई डी। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम बैक चलते हैं इस वाले बटन पे क्लिक करके। तो बैक चलने के बाद आपके सामने देखिए बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में भी नॉलेज दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पे यू पी आई डी आपका मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, उसके बाद स्कैन क्यूआर कोड। तो यहाँ पर अगर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको स्कैन क्यूआर कोड करके आप पैसा भेज सकते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। और यहाँ पर देखिए एक बैंक अकाउंट है जो कि हम आपको एक दिन पहले बताए थे कि किस तरीके से भीम यूपीआई आईडी क्रिएट किया जाता है, उसमें जो है बैंक अकाउंट से पैसा
कैसे भेजा जाता है भीम यूपीआई से, तो ये तो हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं उस वीडियो को देखें तो जाके देखिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जनरेट क्यूआर कोड, अगर आपको भीम यूपीआई में किसी के पास पैसा मंगवाना है तो ये देखिए क्यूआर कोड है, तो इसको आप देख कर जो है किसी को भी आप इससे पैसा ले सकते हैं, इसमें पैसा आप डलवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड है, तो डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड हो गया, तो ये शेयर भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था, ये आप बदल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। कई वीडियो बनाए हैं योनो एसबीआई के ऊपर, आप उसे भी देख सकते हैं, जैसे यूजर नेम कैसे निकालना है, पासवर्ड कैसे निकालना है योनो एसबीआई ऐप्स का, और इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल कैसे उसका पासवर्ड निकाला जाता है, और बिजली बिल कैसे भेजा जाता है, मैंने सभी ट्यूटोरियल बना के इस चैनल पे अपलोड किए, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो कोई सवाल या सुझाव है आप नीचे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर नए टॉपिक पे, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।